दोस्तों अभी आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहतरीन माइंड रीडिंग खेल, और इस खेल को दिखाने के बाद हम बताएंगे भी कि इसे किस तरह से किया जाता है। वो तो बहुत ही बढ़िया खेल है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है कुछ कार्ड, और यहाँ है लूडो की गोटी, और इस लूडो की गोटी का खेल अभी आपको दिखाएंगे, हमारा साथ देंगे अभिषेक। तो अभिषेक, इसमें से आपको क्या करना है कि कोई एक नंबर पसंद करना है। लूडो की गोटी है, इसमें 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आप इसमें से कोई भी एक नंबर पसंद कीजिएगा और उसे हमें मत बताइएगा, आप कैमरा में दिखा दीजिएगा। कैमरा में दिखाने के बाद उसे फेसअप करके यहाँ पे डाल दीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका पसंद किया हुआ नंबर दिख रहा है ऊपर से कि नहीं, और फिर आप कवर को क्लोज करके हमें दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अभिषेक इस गोटी को ले रहे हैं और यहाँ से कोई भी एक नंबर आप पसंद कीजिए, और पसंद करने के बाद उसे कैमरा में ज़रूर दिखा दीजिएगा। कैमरा में दिखाने के बाद आप उसे देखते हुए उस डिब्बी में डाल दीजिए। डाल दिए तो यहाँ पे कौन सा नंबर यह पसंद किया है हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन हम इस डिब्बी में इसे डाल देते हैं। और डिब्बी में डालने के बाद यहाँ पे देखिए इसे क्लोज भी कर दे रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास है कुछ कार्ड, इस कार्ड को आप मिक्स कर दीजिए। कार्ड को यह मिक्स करेंगे और किस पोजीशन में कौन सा कार्ड है यह भी हम नहीं देखेंगे, उसे मिक्स अच्छी तरह से कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद आप हमें इस कार्ड को दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कार्ड किस जगह पे चला गया हमें बिल्कुल पता नहीं। यहाँ से एक कार्ड हम लेकर के यहाँ डाल दिए डिब्बी के नीचे। अब कौन सा नंबर आप पसंद किए हैं यह हमें नहीं पता है, लेकिन एक कार्ड यहाँ डाले हैं जो हमें इंडिकेट करेगा कि कौन सा नंबर आप पसंद किए हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को देखा जाए, तो यहाँ पर इन्होंने 2 नंबर पसंद किए हैं। 2 नंबर था, यही था। तो 2 नंबर अब से एक पसंद किए हैं, उसे देख लेते हैं। डिब्बी अच्छी तरह से बंद है, आप देख सकते हैं, और ये हमें बिल्कुल नहीं बताए हैं, पहले से कुछ भी प्लानिंग नहीं था। और हाँ, 2 नंबर इन्होंने पसंद किया था और 2 नंबर का कार्ड यहाँ से निकल करके आया है। तो दोस्तों, क्या ट्रिक है कि जिस नंबर को पसंद किए हैं उसी नंबर का कार्ड मिक्स करने के बाद भी बाहर निकल कर चला आया है। हालांकि इस कार्ड को अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो इसे देखने पर यह पता चलेगा कि किसी भी कार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बिल्कुल नॉर्मल कार्ड है। तो आखिर इस खेल का ट्रिक क्या है, चलिए जानते हैं। अगर आपको यह खेल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बताते हैं इस खेल को कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस खेल को दिखाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं जो लूडो की गोटी है, इसमें भी ट्रिक है, और यहाँ जो प्लेइंग कार्ड है इसमें भी ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है इसे ज़रूर आप जानिए। और यहाँ पर देखिए, जो लूडो की गोटी है ये नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इसमें कोई भी नंबर पसंद करके यहाँ पे डालते हैं, और जो नंबर पसंद करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है ऑडियंस को कि नंबर पसंद कीजिए, या तो अपने बगल वाले को दिखा दीजिए और बगल वाले को दिखा कर इसमें डालिए, और उसका फेसअप करके इसमें इसका जो ढक्कन है इसे क्लोज करके वापस दे दीजिए। क्लोज करके देने के बाद इसमें बहुत ही चालाकी से देख लिया जाता है, जब इस डिब्बी में इसको डालते हैं उसी समय समझ जाते हैं कि किस नंबर की गोटी को ऊपर किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर की गोटी को ऊपर किया गया है, तो ऊपर करने के बाद इसको जब इसमें डालते हैं उसी समय समझ में आ जाता है कि किस नंबर की गोटी है। तो बस हल्का सा इस तरह से टेढ़ा करने पर एक क्लियर दिखाई देता है यहाँ से कि कौन सा नंबर है, यह ऑडियंस बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल इसको इसमें ऐसे डालते हैं और उसी समय देख लेते हैं कि किस नंबर की कार्ड का फेस ऊपर है, सॉरी किस नंबर की गोटी का फेस ऊपर है। तो यहाँ पर इसे ऐसे डाल देते हैं और डालने के बाद इसे क्लोज कर दिए। तो 6 नंबर की गोटी अब ऑडियंस पसंद किया है, उसको हम जान चुके हैं, और उसका फेस ऊपर करके इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब दोबारा से डब्बे में डालने के बाद ऑडियंस पूर्णतः अस्वस्थ हो जाता है कि जो हमने पसंद किया है उस गोटी को ये कैसे जान पाएगा। लेकिन इसमें डालने का एक बहाना रहता है
नंबर डालने के लिए और उसको इसमें डाल देता है। और डालने के बाद यहाँ से एक जैसे 6 नंबर अभी पसंद किए हैं तो इस कार्ड को जो पसंद करेंगे उसी को दे देना है मिक्स कर देने के लिए। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर है उसमें से एक कार्ड यहाँ से आपको निकाल देना है, यहाँ से निकाल कर इसे डालना है और यह निकल कर चलाएगा 6 नंबर। तो कार्ड को कैसे पहचानते हैं उसे समझ लीजिए। ये जो कार्ड है 1 से लेकर 5 तक, इसको हम सीरियल वाइज लगा लेते हैं। तो दोस्तों यह जो कार्ड है यह मैजिक वाली कार्ड है, इसे आप आसानी से पीछे से रीड कर सकते हैं लेकिन कोई भी नॉर्मल बंदा रीड नहीं कर पाएगा। आप गौर से देखिए इसमें, अगर आप इस कार्ड को समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए इसके कोने पे नंबर का इंडिकेटर दिया हुआ है जो इंडिकेट करके बताएगा कि किस नंबर की कार्ड है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल कोड भाषा में, यहाँ हल्का और यहाँ हल्का, तो यह 1 नंबर की कार्ड है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इस टाइप से, यहाँ पे 2 कोड बना करके, तो यह 2 नंबर की कार्ड है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यह 3 नंबर की कार्ड है। और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यह 4 नंबर की कार्ड है। और इसी तरह से 5 लिखा हुआ है तो यह 5 नंबर की कार्ड है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ ऐसे आया और ऐसे घूम गया और 6 लिखा हुआ है तो 6 नंबर की कार्ड है। तो इस कार्ड को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके पीछे में कोड बना हुआ है। यह पूरा जो डेक है यह पहचान वाली है। तो यह आपको किसी ही मैजिक शॉप में मिल जाएगा, हमारा खुद का मैजिक शॉप है, वहाँ से भी ले सकते हैं। नीचे नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल करके आप इसे मंगवा सकते हैं। और हाँ, इसे आप जुआ के लिए मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का खेल यह आपको पसंद आया होगा।